अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बाकमाल नुस्खा है। ये नुस्खा मर्ज जरियान को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद और मौसर नुस्खा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से चंद यौम के अंदर अंदर जरियान का मर्ज दूर हो जाता है। इसके अलावा ये नुस्खा बोली निज़ाम को ताकत देता है और इससे मुतालका जो आवाज़ात हैं उनको भी दूर करता है। पेशाब की नाली में जलन हो या पेशाब रुक रुक कर आता हो, कतरा कतरा आता हो या पेशाब में रुकावट महसूस होती हो, ये नुस्खा इस मर्ज़ के लिए भी बहुत ही कामयाब नुस्खा है। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि बोली निज़ाम में मसाना और गुर्दा के अज़ा अहम अज़ा हैं। इन अज़ा में कुछ कोई नुक्स पैदा हो जाए जैसे पत्थरी या रेग वगैरह तो ये अज़ा मुतासर होते हैं और इंसान जिनसी तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है। अगर मसाना और गुर्दा में पत्थरी या रेत हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से मसाना की पत्थरी और रेत भी खारिज हो जाती है। अब नाज़रीन चलते हैं अपने नुस्खा की जानिब। आप नुस्खा के अज्ज़ा और इसका तरीका नोट फरमा लें। नाज़रीन, आपने घूकरू लेना है। घूकरू बखड़ा को कहते हैं आम जबान में। आपने घूकरू लेना है 250 ग्राम और इसको रात के वक्त आपने 4 कप पानी में भिगो देना है। पहले इसको आप थोड़ा दुरुदरा कर लें और फिर इसको पानी 4 गिलास पानी में रात के वक्त भिगो दें। सुबह इसको अच्छी तरह जोश दें, इतना जोश दें कि पानी आधा रह जाए यानी 2 कप रह जाए। फिर इसको उतार कर छान लें और इस छने हुए पानी को दोबारा आग पर रख दें और इसमें 2.5 ग्राम गोगल वो डाल दें और इसको हिलाते जाएं। इतना इस पानी को भी जोश दें कि ये गाढ़ा हो जाए, अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। फिर जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको आग से उतार लें और ठंडा कर लें। इसके बाद इसमें सौंठ, मिर्च स्याह, पोस्त हलीला कलां, पोस्त बलीला, नागर मोत, हर एक 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 तोला लेकर इसका सफ़ूब बना लें, अच्छी तरह बारीक सफ़ूब बना लें और इसमें डालकर इसकी रगड़ाई करें ताकि ये गोलियां बनने के काबिल हो जाए। जब ये गोलियां बनने के काबिल हो जाए तो एक एक माशा की गोली बना लें। 1 से 2 गोलियां रात के वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिन अमराज का मैंने ज़िक्र किया है वो इस नुस्खा से दूर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।